दूसरे T20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, रिंकू सिंह तो वहीं जसवाल का देखने को मिला तूफान। दूसरे टेस्ट T20 के मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से रच दिया इतिहास, तोड़ दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों का घमंड। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, रिंकू सिंह कप्तान रोहित शर्मा, SSV जसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर दी। पहला T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया, तो वहीं दूसरा T20 का मुकाबला खेलने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में भी काफी बड़े बदलाव किए थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा, रिंकू सिंह ने बरसों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने खड़े होकर के सलाम ठोका, तो वही घातक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने अंग्रेजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोच राहुल द्रविड़ को भी थोड़ी देर तक अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। शायद अगर आप भी कप्तान रोहित शर्मा, रिंकू सिंह की बल्लेबाजी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक दिखाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब दूसरे T20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड कप्तान गेंदबाज को गेंदबाजी करने का न्योता दे दिया। बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा SSV जसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में 2 कवर ड्राइव चौके और 3 गगनचुंबी आसमानी छक्के ठोक दिए, तो वहीं SSV जसवाल भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। 21 साल का होनहार बल्लेबाज SSV जसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपने बल्ले को घुमाना शुरू किया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। SSV जसवाल ने यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से 4th ओवर में 2 कवर ड्राइव चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा और जसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंग्रेजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा साथ में आसमान पर था क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप की हार का बदला इन अंग्रेजों से लेना था और तीनों के तीनों T20 के मुकाबले अपने नाम करने थे। लेकिन भारतीय टीम को यहां पर काफी बड़ा झटका लग गया जब SSV जसवाल जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही SSV जसवाल आउट हुए वैसे ही मैदान पर सनसनी छा गई और कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर शुभमन गिल कूद पड़े। शुभमन गिल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं और महज 12 रन बनाकर के आउट हो गए। जब शुभमन गिल भी आउट हुए, SSV जसवाल भी आउट हुए, तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने अपने आप को संभालते हुए विराट कोहली को साथ में लेते हुए तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके से शुरुआत की और काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। विराट कोहली एक काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज है जो हर मुकाबले में पूरी तरीके से शतके पारी खेलता है। विराट कोहली ने यहां पर भी आते हुए चौके से शुरुआत की और बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी से कप्तान रोहित शर्मा का साथ देते हुए बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। पहले तो इंग्लैंड के गेंदबाज कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से परेशान थे, लेकिन अब विराट कोहली भी अंग्रेजों को जम करके धो रहे थे। विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। यहां पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर कप्तान रोहित शर्मा ने 6 छक्के लगातार ठोक दिए, जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ करके रह गई। कप्तान रोहित शर्मा ने न जाने कितने गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। विराट कोहली ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और 3 कवर ड्राइव की ओर छक्के ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया जब भारतीय टीम के घातक खुकार विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली आउट हो गए। लेकिन फिर मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जला है, जिसने मैदान पर आते ही छक्के से शुरुआत की और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर तो SSV जसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली भी देखकर हैरान रह गए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर चलने लगा और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को जम करके धोने लगे। कोच राहुल द्रविड़ को भी कुछ थोड़ी देर तक समझ नहीं आया कि रिंकू सिंह की एक ऐसी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी है जो मैदान पर कहर बरसा रही है। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। रिंकू सिंह को दूसरा महेंद्र सिंह धोनी भी कहा जाता है। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड की गेंदबाजों के
पर खच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, मानो कि तूफान सा आ गया हो। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाने लगे। रिंकू सिंह की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाज और यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों जो है वो यहाँ पर कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित शर्मा और रिंकू सिंह के आगे किस तरीके से घातक विस्फोटक गेंदबाजी करें, क्योंकि हर एक बॉल पर छक्के चौके और चौके छक्के से बरसात हो रही थी। इनकी बल्लेबाजी देखकर यहाँ पर हर कोई हैरान था। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी ने खड़े होकर रिंकू सिंह को सलाम ठोका। जब रिंकू सिंह ने 18 ओवर के 6 गेंदों पर लगातार गगन चुंबती नायक 6 छक्के ठोक दिए, तो वही कप्तान रोहित शर्मा यहाँ पर 125 रन ठोक चुके थे और अभी भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी और तूफानी विस्फोटक अंदाज में भारतीय टीम ने दूसरा T20 का मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच यह वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला आगे चल करके होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए।